हेलो गाइस, आज हम 2DG का फुल सर्विस करना है। तो यहाँ पे 2DG लगा हुआ है, यहाँ पे फिल्टर सब भी लाया हुआ है। तो दोनों DG का हम यहाँ पे ऑयल से लेके हम फिल्टर सब चेंज करेंगे, एयर फिल्टर सब कुछ चेंज करेंगे। 750 kV के है, इसमें रीडिंग देख सकते हो आप, ये 750 kV के है, 415 इसका AC आउटपुट है। ये पावरिका है, पावरिका कंपनी का। तो गाइस आइए, तो यहाँ से हम इसके नीचे से पाइप से इसका ड्रेन करेंगे। इंजन का जो नीचे एक नट आता है, उधर से मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे है ये जो पाइप है, इसको खोलना है। तो ये हमारा सर्विस इंजीनियर आया हुआ है, तो ये लोग काम करेंगे। तो इधर से ड्रेन करना है गाइस। तो इधर से हम कम से कम इसमें से ड्रेन करने, जो पुराना ऑयल है इसमें, इसका पूरा चेंज करना है। तो हमने ऑयल सब लाया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास 200-250 लीटर है ऑयल लाया हुआ है। तो इसमें एयर फिल्टर से लेके ये जो चार फिल्टर सब चेंज करने, इस फिल्टर है चार, इन चारों में भी फिल्टर आते हैं। ये इंजन ऑयल का ही फिल्टर है। तो इधर से हम ड्रेन करेंगे। चारों फिल्टर का हम पहले इधर आगे जो नट है वो खोल के इधर से ऑयल ड्रेन करेंगे। ये जो नट लगा हुआ है, इधर से खोल के ना ड्रेन करेंगे, खाली करेंगे, फिर इसको खोल देंगे। तो गाइस देखिए, तो ये पूरा हमारा DG है। यहाँ पे रेडिएटर लगा हुआ है, इसका फैन है, ये एयर फिल्टर है, ये हमारा डीजल का जो फिल्टर लगा हुआ है, टैंकी से इसमें आता है, इधर से इंजन को जाता है। ये हमारी दूसरे साइड में है जो दो फिल्टर लगा हुआ है, बाईपास वाला फिल्टर जो इंजन का, ये बाईपास के दो फिल्टर आते हैं, वही है। इसमें भी फिल्टर लगा हुआ था, बाईपास फिल्टर, इसको वो खोल के भी हम इसमें भी नया फिल्टर लगा रहे हैं। ये देखिए ऑयल हमने ड्रेन कर रहे हैं अभी अभी, तो हम 5-5, 10-10 लीटर के हिसाब से ड्रेन कर रहे हैं, पूरे इसमें लगा रहे हैं। उसके नीचे को पूरा के निकाल रहे हैं हम। अभी फिल्टर के भी ड्रेन कर रहे हैं और मेन टैंक का साथ में ड्रेन कर रहे हैं। ये एक एक फिल्टर में ऑयल आते हैं, ऑयल ड्रेन कर रहे हैं फिल्टर से, फिर फिल्टर को खोल देंगे हम। ये फिल्टर है, ये हमारा जो बाईपास वाला फिल्टर है वो है, बाईपास में जो फिल्टर लगते हैं वही इसके है। ये जो दो है उन दोनों का ये चेंज करेंगे हम, इन दोनों का। जो पुराना है हमने खोल दिया है, बाल्टी में रखा हुआ है, इसमें नया लगाएंगे। ये हमारा डीजल का फिल्टर खोलने से पहले मेन टैंक से हम डीजल का वाल ऑफ कर देंगे। यहाँ पे वाल होते हैं, ये डीजल का टैंक है। डीजल का फिल्टर खोलने से पहले ये जो दो आगे लगा हुआ है, ये फिल्टर है दोनों का, उसको खोलने से पहले हम मेन टैंक का वाल बंद करना पड़ता है, क्योंकि वरना उधर से डीजल आ जाएंगे। अभी मेन टैंक का ख़त्म नहीं हुआ है पूरा, ये ड्रेन कर रहे हैं मेन
मेन इंजन ऑयल है ना, इंजन में जो ऑयल आता है वही हम अभी ड्रेन कर रहे हैं। ये हमारे दो सर्विस इंजीनियर आया हुआ है यहाँ पे, ये फिल्टर भी खोल रहे हैं। गैस ये फ़िल्टर सब खोलने के बाद मैं आपको दिखा दूंगा कि मशीन पूरे कैसे चला के। एक्चुअली ये वीडियो भी लंबा हो रहा है तो इसका हम दो पार्ट बना के वीडियो भेज देंगे, वीडियो बनाएंगे दो पार्ट में। तो पार्ट फर्स्ट में ये बनाएंगे, पार्ट सेकंड आप देख लेना। ठीक है, कितना हो गया अभी, कितना निकाला ऑयल? 150 लीटर निकाला अभी नहीं है, इसमें तो पहले ही था आधा। कितना था? आधा था, 100 लीटर था। अभी और है ना, अभी कम से कम 150 लीटर आएगा ना, अभी कम हो रहा है, अभी कम हो रहे हैं धीरे धीरे। फिर भी ये बहुत काला है, इसका आज के दिन ही सर्विस हुआ था, साल हो गया। अच्छा, डेट बराबर है, एक साल बाद सर्विस किया है ना। पिछले साल इसी दिन ही डेट को ही किया था। इसी डेट बराबर, काफी चला भी होगा ये मशीन। वो कल कर दिया था उसका। अब हो गया लास्ट, अभी उनको बोल दे दूसरा स्टार्ट कर दे। अभी एयर फिल्टर चेंज करेंगे, उसके बाद दूसरा तेल बांधे ना, फिर भी स्टार्ट करेंगे। जल्दी गर्म हो जाता है, है? जल्दी गर्म हो जाते हैं ना। हेलो सर, सर
सर्विस फिलहाल लाइट कदम लगे मगर पहले क्या करेंगे।